रास्ता नहीं मिल रहा, अभी कहीं पुराल नहीं मिल रहा, अभी चारे से बड़ी मजबूरी है, कहीं हमारे पे कोई चारा नहीं पहुंचा है। मोहन में जो है गुज्जर है, उन लोगों ने पढ़े लिखे हुए हैं, उन लोगों ने अपने गुजरों के लिए, सब गुजरों के लिए चारा मंगा लिया है। अच्छा, तो एक जगह चारा है वो गुज्जर के यहाँ घेरा हुआ है, तो वो चारा उन गुजरों को बांट रहा है, भूसा भी आ रहा है उनका, चोकर भी दाना भी आ रहा है, तो दाना दूना जैसा आ रहा है तो वो वहाँ से बांट रहा है, तो उनका फिर भी चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई आदमी बोलने वाला नहीं था जिससे कुछ मंगा पाए। तो आपकी कितनी यूनिटी है, कितने लोग हैं आप हम लोग? तो यहाँ पे से कम भी 10-12 डेरे इधर हमारे जंगल में दस है। बारह डेरे हैं। तो हाँ, ये आप लोगों के डेरे अलग हैं और मोहन वालों के अलग हैं? वो तो मोहन जो है यूपी में आ गया। अच्छा, मोहन यूपी में आ हाँ, गया और तो आप हम उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड पे है। अच्छा, हाँ, तो उत्तराखंड वालों को कोई प्रोवाइड हमें नहीं हो कोई रहा कुछ? प्रॉफिट नहीं मिला है, अच्छा ना तो हमें लॉकडाउन में मिला है, जी, ना लॉकडाउन से पहले मिला है, ना बाद हाँ, मिला है। अच्छा पशु किस तरह से, इसी तरह से हमारी भूख की भैंसे रही है यहाँ, जी जी तो जी हमारी भैंसे नीचे चुगने गई है। हाँ हाँ एक भैंस यहाँ 50,000 की थी, दे अच्छा रखी अब ब्याती, वो तो अच्छा पार फेयरिंग कर रहे थे और गोली लगी, वो भैंस भी मर गई। ओफ, ये फायरिंग ये कौन फौजी 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 कर रहे थे? लोग ओके, फेयरिंग करते हैं, अच्छा 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 तो भैंस मर गई। अच्छा इसी तरह से ऊपर खड्डा खोद रखा था, 2 करड़ी हमारी गुम हो गई, वो गिर गई है खड्डों में, पता नहीं कहाँ मरी है, कहाँ रही है। अच्छा 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 परेशानी हालत से अपना टाइम पास कर रहे हैं नदियों में। तो सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? हमारी ये गुजारिश है सरकार से, हमें कोई चारा दे, तो जैसे और लोगों को देते हैं हमें भी दें कोई ना कोई चारा। जंगल में वन विभाग नहीं जाने देते, वन विभाग वाले नहीं जंगल जाने में नहीं देते जाने हैं, देते ये तो लोग जंगल बहुत। से जो चारा आप ले आते हैं हाँ, पशु पक्षियों के लिए, बस तो मतलब ने कहा वो भी बिल्कुल बंद है हमारा जंगल से भी बंद है और नहीं जाने देते। अगर जंगलों में जाएं जी? तो हमारे ऊपर स्टाफ खड़ा हो जाता है, हम अच्छा पहले ही से जंगलों में रहे, जी बाप दादों से जंगलों में रहे, जी जी लेकिन जी जी हमारे जी जी लिए जी अब बहुत ही सख्ती और नक्सी हो रही है। अच्छा जंगल से हमें कोई चारा नहीं मिल रहा। अच्छा जंगल पे हम रहते थे, हम तो जंगल को ऐसा समझते हैं जैसे एक अपना घर है, अगर तिरपाल भी नहीं है, कुछ टेंट नहीं लगा हुआ, तो जी हम जंगल में अकेले रह सकते हैं। हमें जी जी किसी वगैरह का डर नहीं है, हाँ शेर का डर नहीं हाँ है, हाँ हमें इस पशु के साथ हम भी अपना पाल पोस ऐसे करता है जंगल में जैसे हम भी पशु ही, जी 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 लेकिन जी जी वो भी नहीं होने दे रहे, वो भी नहीं होने वो दे भी रहे। नहीं होने दे रहे। अच्छा, और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, कोई कोई मदद कुछ नहीं आ रही नहीं है? हमें। ठीक है, 10-12 डेरे बताए आपने हाँ जी, उत्तराखंड के, जो 10-12 डेरे हैं आप हाँ, लोगों दस के, बारह तो डेरे हमारे, तो अच्छा हमें जहाँ तो इस तरह से कुछ करो जैसे जंगल से हम अपना चारा कर सकें। जी अगर जंगल से चारा करें तो हाँ। हमें गांव वाले परेशान करते हैं। गांव वाले क्यों हाँ, परेशान करते गांव हैं वाले आपको? करते क्योंकि हैं, हम पहले ही से रह रहे, तो वन हम विभाग अलग है हाँ और गांव वाले गांव अलग वाले हैं अलग और हैं। आप लोग अलग हाँ, हैं, हम तो अलग फिर हैं, आपका तो तो जंगल से नाता है कि जंगल कोई से मतलब कहने का इनके लिए आपको चारा चाहिए? हमारा जंगल से नाता है, लेकिन हम ऐसे ही भड़कती आत्मा जैसे चलती है, हम इस तरह जी से है, किसी हाँ की जमीन पे बैठे हैं, हाँ प्यार मोहब्बत से उससे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, भाई हमें रहने दो, जी जी तो जी हमें रहने के बाद वो तो मालिक नहीं छेड़ेगा, रहने नहीं हाँ दे रहा, ये जो हाँ दूसरे गांव वाले हैं वो उस मालिक के ऊपर भी दबाव घेर रहे हैं, और फिर हाँ जंगलात स्टाफ को फोन कर रहे हैं अच्छा इन गुजरों को निकालो, ये कहाँ से लाए, अच्छा कहाँ जाएंगे, अच्छा क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्यों नहीं है? तो आपको वोट देने का अधिकार है या हाँ, नहीं? वोट देते हैं हम वोट देते हैं अभी, ना, हाँ वोट तो देते फिर हैं हम। जीने का भी अधिकार है। हाँ, हमारा वोट देने का भी अधिकार है, वोट देते हैं हम। जी वो देखिए, वोट लेने के टाइम पे तो हर मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री जाहिर है, सी कोई बात। मंत्री है, कोई जिला पंचायत है, जी कोई प्रधान बन रहा है, वो जी सारे लोग आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, चारा दुलाएंगे, तुम्हारा नाता जंगल से जुड़ाएंगे, लेकिन हमारा अभी तक किसी ने उसके नहीं बावजूद जुड़ाया, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है हमारा। ओके, तो अगर आपके सरकार चारा भी पास नहीं दे सकती तो हमें जंगल का चारा दे दे। जैसे लोग हर द्वार पथरी में घेरे हुए हैं, जी तो हर द्वार पथरी में जमीन दे रखी है, खाली घेर रखे है, लेकिन कोई चारा नहीं है, पशु का बांधने का वहाँ कोई संपत्ति नहीं है। जिन लोगों का पशु बांधने का कोई संपत्ति नहीं है, जिस लोगों का पशु बांधने से कोई संपत्ति नहीं है, वो ही लोग भड़कते हुए, कोई किसी कोने पे पड़ा हुआ है, कोई किसी नदी पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं बह रहा है, कोई खेत का डंडा लगा रहा है, कोई जंगलात वाला डंडे मार रहा है, तो इसी तरह से भड़कते हुए अपने दिन पास कर रहे। तो आपके जो 10-12 डेरे हैं, इन 10-12 डेरों में लगभग कितने लोग रहते हैं आप? इन पे तो समझ लो 5-5, 7-7 आदमी तो हर परिवार पे है, हर हर डेरे पे डेरे पे, और 7 आदमी हर हाँ डेरे पे हर हैं? डेरे पे, और किसी पे 4-5 भैंसे हैं, किसी पे 20-25 भैंसे हैं, किसी अच्छा, पे 10 भैंसे हैं, किसी पे 12 भैंसे हैं, यानी किसी पे कि 2 ही भैंसे हैं,
तो अपनी मेहनत जब मजदूरी करके, तो अगर जंगल से चारा लाने जाएं तो जंगलात वाले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। अगर जंगलात से छूटें तो गांव वाले जंगलात उपालों के ऊपर हावी हो जाते हैं। अच्छा, वो रेंजर को फोन कर देंगे गुज्जर कहाँ से आए, अच्छा तो कहाँ जाएंगे। नहीं, गुज्जरों से इन्हें क्या परेशानी है, गांव वालों को क्या परेशानी, बेसिकली ये सोचते अपना ये चारा जो है खत्म हो जाता है। क्या चारा? गुज्जरों के रहने से चारा खत्म हो जाएगा भाई, चारा खत्म हो जाएगा। हम तो पत्ती लेते हैं, मानिए अगर लॉपिन करा तो लॉपिन हम लोग इस ढंग से नहीं करते, हम उसे गिराते हैं। पेड़ हमें काटना ऐसा है, हमारी रोजी है जी जी जी, तो हम जी, उसे आगे बढ़ा बढ़ा के काटते हैं। अगर पेड़ को हम काटेंगे तो मानी इस साल तो पुराना पेड़ काट लिया, थोड़ा मोटा काट लिया, तो अगली साल को वो पेड़ नया आएगा, उसकी मोल बढ़ेगी, तो उस पे और बढ़िया परवस हो जाएगा। ठीक, तो अपना पहचान पत्र दिखाइए जरा, ये आधार कार्ड, ये आधार है आपका? ये आधार कार्ड है, घरवाली का है। कवर कवर कवर, आप आ जाओ। जंगल के बारे परेशान है, अपने पशु के बारे परेशान है। ठीक है, बस ये घोंघा वाले जो तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, बस ये ही है। ठीक है, हम तो अपना गुजारा करते। सरकार से ये गुजारिश है आपके कि गांव वाले या फिर वन विभाग वाले आप लोगों को परेशान ना करें। हाँ, ना करें कम से कम। हाँ, अगर सरकार कुछ मुहैया आप लोगों को नहीं करा रही है तो जंगल तो कम से कम जंगल का नाता तो बहन दो। जैसे गुज्जर वन विभाग, गुज्जर वन विभाग वालों ने बाहर कर दिए, जंगल में नहीं रहने दे रहे। जिस तरह से गुज्जरों को, वन गुज्जरों को पहले नाता जुड़ा हुआ था, पहले जमाने में हमारे बड़े जंगलों से नाता रखते थे, आज भी हम चाह रहे, अगर हमें सरकार ना देना चाहती है कोई, तो हमें किसी की जमीन पे बैठ गए हमें जंगल से अपना चारा लेने दें। वो ये गुजारिश है सरकार के आगे हमारी। जी 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 जी, ठीक है। जब सरकार हर इंसान को, हर व्यक्ति को घर घर पे रोड दे रही है, घर घर पे बिजली दे रही है, घर घर पे भूखा मर रहा है इनाज बचा रही है, हमारे यहाँ कोई बिजली नहीं पहुंची है, हमें बिजली पहुंचाने की सुविधा कहाँ है? हमारे पे जब जमीन ही नहीं है तो बिजली जी, कहां जी, ले जाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे पे रहने की जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो हमें गैस देके क्या कर लेंगे? हमारा नाता जंगल से है, जंगल से लकड़ी काटनी है, जंगल से काट के झोपड़ा बनाना है, हमें लोहे का सरिया नहीं लाना है, हमें सरिये से कोई मतलब नहीं है, सरिया लेके कहाँ कहाँ मकान बना लेंगे, कौन बनाने देगा? नहीं, तो लकड़ी भी क्या काट दी आपने? तो सरकार बांस है आपके पास, सरकार ये तो हमारी व्यवस्था करे, अगर बांस लगा के छप्पर बना रखा जी, तो जी, हमें जी, चारा दें और हमें जंगल से नाता रखने दें, हमारी सरकार के आगे ये गुजारिश है। ठीक है, आपकी बात हम पहुंचाएंगे आगे तक। ठीक है, कोलागढ़ फुलसनी में रहते हैं हम, चारे हमें चारा लेने के लिए वन गुजरों को जो यहाँ पे है 5-10 या 7 डेरे जो भी है, रिंग से अगर हमें चारा लेने दें तो हम लॉपिन नहीं करते हैं उस ढंग से, हमारी लॉपिन पे बहुत फर्क रहता है। अगर गांव वालों ने जड़ से ले लिया तो हम ऊपर से लेते हैं, हम पहले से बाप दादों से पेड़ों में रहे और पेड़ों से हमने चारा लिया, तो हमें वो चारा लेने की सरकार से गुजारिश है। केवल मात्र आप चारा लेते हैं, ना कि किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर पेड़ इस साल अगर वो टहनी मोटी है तो आगे से काटेंगे तो अगली साल के लिए और बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बावजूद ऐसे आएगी जैसे खेत पे फसल पे खाद लगा दिया, तो खाद से वो पेड़ गेहूं का है, चाहे धान का है, चाहे मक्की का है, वो उबल जाता है, उछल जाता है। तो हम भी ये चाहते हैं जंगल में इस तरह से काटते हैं, पाथर इस तरह से चलाते हैं, अजी ये जंगल उगल जाए और उबल जाए। गुड।